अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसन क्रेश एडवोकेट। आज हम डिस्कस करते हैं कि जो इमरान ख़ान साहब को जो पनिशमेंट दी गई वो किस कानून के तहत दी गई। जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसकी सेक्शन 174 यानी कि 174 के मुताबिक ख़ान साहब को सज़ा दी गई। उसके मुताबिक 3 साल तक कैद की सज़ा है। ख़ान साहब के ऊपर एलिगेशन ये था कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 173 और सेक्शन 167 की उन्होंने वायलेशन की है। जो 167 और 173 है उसके मुताबिक करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि जो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स थे उनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया बल्कि फॉल्सली डिक्लेयर किया है, और एक जो एसेट्स हैं वो उन्होंने कंसील किए हैं, और जो जिसमें तोशाखाना की घड़ी की रकम थी वो उन्होंने कंसील किया। उनके ऊपर था कि उन्हें 2019-20-21 के जो उनको अपनी रिटर्न है सबमिट करनी थी उसके अंदर उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं वो शो नहीं किए, और जो एसेट्स शो किए वो गलत एसेट्स शो किए, और लिहाजा इस तरह उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस में वो इन्वॉल्व हुए, और जो कि सेक्शन 167 और 173 जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसकी वायोलेशन है, और उसकी सज़ा 174 के अंदर 3 साल तक कैद की सज़ा है। सो उनका मौक़िफ़ ये था इलेक्शन कमीशन का कि बतौर मेंबर नेशनल असम्बली उन्हें अपने 2019-20-21 के एसेट्स को डिक्लेयर करना चाहिए था, जिसमें तोशाखाना की घड़ी का भी था वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया बल्कि कंसील किया है, और गलत स्टेटमेंट जो है उन्होंने टेंडर की है, लिहाजा वो इस जो जुर्म है उन्होंने 167 और 173 इलेक्शन एक्ट 2017 की वायलेशन की है, और 174 की कैटेगरी में फाल करते हैं, लिहाजा उनको 174 इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सज़ा दी गई।